गाइस वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। सो गाइस आज मेरा रिव्यू होने वाला है एक आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में, एक हर्बल शैम्पू के बारे में जो केमिकल फ्री है, काफी वेल नोन ब्रांड से है। एंड गाइस ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और ये है हमारा डाबर वाटिका नेचुरल का आयुर्वेदिक शैम्पू, डैमेज थेरेपी 10 पोशन फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर। एंड गाइज ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया है, यूज किया है और आज इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, इसके फायदे और नुकसान और कैसा ये प्रोडक्ट आपके लिए रहेगा, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जस्ट बगल में लगा है बेल बटन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने चैनल पे सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के रिव्यू लाती हूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। एंड वीडियो पसंद आने पे प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबकी हेल्प करूंगी। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस ये है हमारा डाबर वाटिका नेचुरल्स का आयुर्वेदिक शैम्पू, डैमेज थेरेपी है 10 पोशन फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर। तो गाइस इसमें 10 पोशन का फंडा ये है कि इसमें मिक्स किया गया है यष्टि मधु, भृंगराज, एलोवेरा, हीना, मेथी, आंवला, रीठा, एलमंड, रोजमेरी, जवकुसुम। सो गाइस ये सारे इंग्रेडिएंट आपने सुने होंगे, ज्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये शैम्पू है, बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके हेयर को कोई स्ट्रॉन्ग करता है, कोई शाइनिंग देता है और कोई सिल्की बनाता है। ये 340 ml की बॉटल, इसका प्राइस 210 rupees और शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी इसकी 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं गाइज। ये इसकी सबसे बड़ी बॉटल है, आप अगर इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप इसकी छोटी बॉटल परचेज करो, पसंद आए तब आप इसकी बड़ी लो। मुझे ये शैम्पू पसंद आया इस वजह से मैंने इसकी बड़ी बॉटल परचेज करी है, अदरवाइज मैं इसकी छोटी ही बॉटल परचेज करती पैकेजिंग की। तो ये काफी अच्छी गोल्डन कलर की बॉटल में आता है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल बैक पे मेंशन की गई है, फ्रंट में सारे इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है। की बात करें तो गाइस अगर आपने कभी आयुर्वेदिक शैम्पू या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बने शैम्पू यूज किए होंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आप देख सकते हैं वैसी ही है। स्मेल भी इसकी जो है बहुत मतलब हर्बल टाइप की है, कोई परफ्यूम वाली स्मेल नहीं है, जो कि मुझे इसकी खास बात लगी गाइस। ये लेदर अच्छे से क्रिएट करता है, ये नहीं है कि ये लेदर ना क्रिएट करे। मुझे बहुत ज्यादा लेदर फ्री शैम्पू नहीं पसंद आते क्योंकि वो हेयर को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करते। फिर उस तरीके के शैम्पू आप यूज करते हो जिसमें लेदर नहीं होता, फिर कुछ दिन बाद आपकी स्कैल्प ऑयली होने लगती है, स्टिकी होने लगती है क्लीन ना होने की वजह से, और फिर इनडायरेक्टली आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से मुझे थोड़े से लेदर क्रिएट करने वाले शैम्पू पसंद है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको लेदर क्रिएट वाले शैम्पू नहीं पसंद है तो आप इसको नहीं ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट की तो गाइस इसमें सारे ज्यादातर हर्बल इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें आंवला है, जवाकुसुम है, रीठा है, मेथी है और हीना है, बादाम है, मुलेठी है, भृंगराज। इसमें सोडियम लॉयल सल्फेट नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबेन नहीं है, कुछ प्रिजर्वेटिव तो मिक्स किए ही जाएंगे वरना प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कलर चेंज करने लगेगा। और साथ में इसमें लिखा भी है कि ये अगर प्रोडक्ट कलर चेंज करने लगे तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट से बने होते हैं वो कलर चेंज करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। चलिए अब बाकी इंग्रेडिएंट का स्नैप तो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इन्होंने सब कुछ अच्छे से मेंशन किया गया है तो ये चीज़ मुझे पसंद आई। अगर मैं बात करूं कि ये क्लेम क्या करता है तो इसमें कहा गया है आयुर्वेदिक मेडिसिन सौंदर्य प्रशोधक। इसमें पहले बताया गया है कि इसमें 10 पोशन है, जो कि पहला भृंगराज है जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, इसमें एलोवेरा है जो कि बालों को स्मूथ करता है, मेथी है डैंड्रफ को कंट्रोल करती है, एलमंड ऑयल है, एलमंड है जो कि मॉइस्चर देता है हेयर को, आंवला है जो कि हेयर को नरिश करता है, विटामिन सी तो वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, रोजमेरी है हेयर को कंडीशन करता है, जवाकुसुम है स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको बनाता है ताकि आपके हेयर स्ट्रांग हो, रीठा है जो कि आपके हेयर को क्लींस करता है, और हीना है जो कि मेंटेन करता है नेचुरल
कलर हेयर का, और इसमें डाला गया है यष्टि मधु जो कि हेयर को स्ट्रेंथ देता है। तो गाइज आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें जो कि मिक्स किया गया है रीठा, तो रीठा थोड़ा सा वैसे भी झाग टाइप का बनाता है। अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो गाइज इस शैम्पू को मैं इस समय यूज कर रही हूँ, वैसे सनसिल्क यूज करती हूँ कॉन्टिन्यू बेसिस पे, लेकिन इस समय मैं ये डाबर वाटिका यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये शैम्पू काफी पसंद आया। ये बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बालों को वॉश करते टाइम बाल टूटते बहुत है, लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसमें असर मुझे ऐसा लगा बाल टूटते नहीं है, जो कि मुझे इसका ये पॉइंट काफ़ी पसंद आया। करने के बाद मुझे मेरे बाल बहुत सिल्की और स्मूथ लगे, इवन बालों में थोड़ा सा मैनेजेबिलिटी थी, मतलब बाल मैनेजेबल फील हुए और बाल डिटैंगल उतने नहीं हुए जितने नॉर्मली होते हैं। मैंने सिर्फ इसको यूज़ किया एंड गाइज बिलीव मी कि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जो केमिकल वाले शैम्पू से थक चुके हैं, तो इस शैम्पू को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत थोड़े बहुत केमिकल हैं और प्रोडक्ट काफी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप इसको यूज करेंगे आप इसको जरूर पसंद करेंगे, मुझे बहुत पसंद आया ये शैम्पू। वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं या यूज करने जा रहे हैं, यूज करने के बाद प्लीज अपना फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल सके कि प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।